तो भाई लोग, क्या हाल चाल। और आ गए हम एक नए वीडियो के साथ जो कि सोलो वर्सेस सोलो वीडियो है। तो कोई अच्छा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा लाओ सोलो ही रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो हम आ गए अपनी मनपसंद फेवरेट जगह जो कि है मिलिट्री बेस। तो देखिए कैसे खाली करते हैं मिलिट्री बेस को। और यहाँ मुझे एक बंदा स्पॉट हो गया था, मैंने उसको पेल दिया। दो बॉट मारने के बाद एक रियल बंदा अपन को मिल जाता है और अपन उसको ठोक देते हैं। और देखो ये बेचारा मासूम सा बच्चा मेरे ऊपर नेट करने की कोशिश कर रहा था बॉट फायर कर करके, लेकिन अपन इसको नेट से उड़ाएंगे। इसमें कि हम माहिर हैं, छोड़ेंगे किसी को नहीं, क्योंकि मिलिट्री बेस पे तो अपना ही कब्जा है। और भाई साहब फिर आ जाते हैं ऊपर की तरफ लूटते लूटते, तो यहाँ एक बंदा स्पॉट होता है हमको पीछे। और भाई गंदा ही M4 का स्प्रे देता है वो मेरे को। किसी तरीके से तो मैं बच जाता हूँ, अपने आप को हील वील कर रहा होता हूँ। पीछे से पता चलता है कि एक और बंदा आ गया है, वो पीछे ब्रोकन वॉल पे छुपा होता है। तो अपन निकालते हैं नेड और इतनी ही देर में वो निकल के यहाँ से भागता है। और भाई साहब जैसे ही वो भागा मैंने उसको AKM से उड़ा दिया। और अब बारी है इस टावर वाले की, तो अपन थोड़ा सा 6x को बड़ा करेंगे, फिर इसको भी पेल देंगे। अभी स्पॉट ही नहीं हो रहा है, किधर गया भाई। पता चलता महाराज इधर हैं, चलो उड़ा देते हैं। और उसके बाद भाई एक और बॉट आ जाता है पीछे से, मैं तो डर जाता हूँ। देखो इसको मैं किस तरीके से मारूंगा, रियल बंदा समझ के। अगर ऊपर आएंगे आप, देखो यहाँ पे किल की होगी बरसात। मतलब एक किल मिलेगा, लेकिन किल तो किल है, कहेंगे तो हम उसको बरसात ही। तो भाई साहब गाड़ी आ गई, मैं इसको हेडशॉट लेना चाह रहा था लेकिन ले नहीं पाया, और किसी तरीके से मैं बच गया। मेरा एम चोक हो जाता है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ कि मेरा एम ही चोक हो जाता है। और भाई एक बॉट आता है, इसको भी निपटा के और फटाक से हम निकलते हैं। और अब देखो निकल रहे होते हैं तो ये गाड़ी वाला आ जाता है रोज़ोक। देखो कैसे पेलते हैं भाई को। अब देखो भाई तो मेरे संग सीन ही कर देंगे पूरा, बस जैसे तैसे मैं बच ही गया समझो। ये देखो ले ही गया था मेरे को पूरा। फिर अपना हील वील मार के अब यहाँ पे भाई देखो हमको कम से कम 3 से 4 किल मिलेंगे यहाँ पे। और देखो किस तरीके से बंदे कैम कर रहे होंगे। मैं इसको मारने जा रहा था, सामने बंदा स्पॉट हुआ था, लेकिन पीछे एक बंदा आके प्रोन हो गया। और मैं इस डर के मारे ना आगे को नहीं जा रहा था कि अगर मैं आगे जाऊँगा तो वो पीछे से मार देगा। तो मैं रिच के कवर में ही सोचता हूँ उसको गिराने को, लेकिन गिरा ही नहीं पाता हूँ। तो भाई जिसके चक्कर में किल गया है उसको भी पेलेंगे, लेकिन इसको मारने के बाद पता नहीं किधर भाग के जा रहा है। और अब उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन स्पॉट नहीं होता तो अपन गाड़ी लेके निकल जाते हैं। और वो बंदा बेचारा पेड़ की आड़ में लेता होता है तो गाड़ी। देखो चूतिया पे मेरे संग पता नहीं कितने ही होते हैं गेम खेलते टाइम, बिकॉज़ आई एम नूब। तो अब देखो इस बंदे को ही पेल देते हैं। जैसे इस बंदे को मारने जाता हूँ पीछे से कोई फायर करता है मेरे ऊपर, और मैं जैसे तैसे बच करके पहले इसको निपटाते हैं फिर उसको निपटाएंगे। भाई साहब संभल ही नहीं रहा है कुछ मेरे से, पता नहीं क्या करूँगा मैं पबजी में। लेके हम फटफट इधर से आते हैं ऊपर। ऊपर आके देखते हैं तो बंदा जो है, अभी देखना क्या होगा मेरे कार 98 संग, मैं पूरा हेड पे होगा उसकी मेरा देखो, और गोली नहीं चलेगी। पता नहीं क्या ही सीन हो रहा है आजकल यार। कोई बात नहीं, गोली नहीं चली तो पास जाके पेलेंगे, पेलना तो है ही। जैसे ही मैं इधर गाड़ी लेके आता हूँ ये बंदा अपनी बग्घी उठाता है, भागना शुरू हो जाता है। फिर कह रहा भाई को बग्घी में गिरा देंगे, टेंशन ले लेते हैं। एक टाइम तो ऐसा लगा कि मेरे को मैं मार ही नहीं पाऊँगा इसको, लेकिन किसी तरह से हमने पेल दिया उसको। और अब मैं फिर से इधर आ रहा था जिधर से ड्रॉप पर से बंद जिधर ड्रॉप गिरा होता है, मतलब उधर बंदा एक और आ गया होता है। तो मैं निकल रहा था तो वो मेरे को स्पॉट हो जाता है। तो देखो कैसे पेलते भाई, पता नहीं क्या मीटअप करना चाह रहा था जाने क्या। नहीं वो कूद रहा होगा, मीटअप तो करेगा नहीं, खैर फैन फॉलोइंग तो है ही नहीं तो मीटअप कहाँ से होगा। और भाई फिर से मेरे को पड़ी, अरे पागल हो जाऊँगा मैं, कहाँ कहाँ से पड़ रही हूँ पूरे गेम में मेरे को समझ ही नहीं आएगा। और भाई हमने ओम के चक्कर में इतने ड्रॉप चेक किए ना, ओम नहीं मिली कहीं भी। तो अभी इसको स्पॉट करते हैं, नहीं होता तो फिर निकलते हैं यहाँ से। हो गई नहीं, पता नहीं किधर छुप रखा है सांप की औलाद। भाई मेरे को सांपों से बहुत डर लगता है, किसी से डरो मत डरो लेकिन इन सांपों से ज़रूर डरो। अब तुम्हारे भाई को मिल जाएगी ओम, ओम के बाद तो सारे किलोम से होंगे फिर।
मतलब सारे क्या तीन बंदे बचे हैं, तीनों को आम से ही मारूंगा। इधर बंदा घर पे स्पॉट हो जाता है, गाड़ी लेके आ रहा था तो मैं गाड़ी पीछे लेके जाता हूँ। मतलब क्या फ़ायदा, सामने से लेके जाऊँ पेल दे, कंटेंट ख़राब हो जाए, उससे अच्छा इसको पीछे से मारते हैं। तो अब हम इसको पेल देंगे, जल्दी से आम निकालेंगे और आम से इसकी खोपड़ी चटका देंगे, खोपड़ी। और यहाँ भी मैं दो बार आम का ट्रिगर दबाता हूँ तब आम के फायर होता है। देखो पता नहीं क्या ही नाटक हो रहा है जिंदगी में। और अब भाई देखना, दूर से एक प्यारा सा सांप का बच्चा हमको दिखने वाला है। ओ रहा, चलो इसको भी पेल दिया। और अभी इस मासूम से बालक को देखना, पता नहीं क्या ही नशे करके आते हैं लोग, पता नहीं क्या ही। देखो वो, देखो वो, देखो वो निकला, ठीक है वो देखो। अरे बहुत ही शानदार छोटा सा मामू।